दिस इज की पाठशाला में एएलपी एंड ग्रुप डी फिजिक्स सीरीज जो कि स्टेज टू के लिए बनाई जा रही है उसके लेक्चर टू में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा विमीय विश्लेषण या यूनिट्स एंड डाइमेंशंस, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। ये मैं हूं सुधांशु। मात्रक के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को या मानक लेते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड लेते हैं, उसको जो नाम दिया जाता है वही नाम कहलाता है आपका यूनिट। जैसे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो न्यूटन आपने एक नाम दिया। जैसे आप न्यूटन का नाम आप लेते हैं कि न्यूटन क्या है, मालूम चल जाता है कि हम बात कर रहे हैं बल की। और जब इसे तुलना किया जाता है मात्रक के द्वारा तो उस प्रक्रिया कहते हैं मापन। इन जनरल हम बात करें तो जो पद्धति है नापने की, उसके लिए हम तीन पद्धतियां जो यूज करते हैं और चौथी जो थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज होती है, तीन जो है वो है आपका एमकेएस पद्धति, जहां पर लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड का प्रयोग किया जाता है। इस पूरे पद्धति में अगर हम फोर्स की यूनिट लिखें तो फोर्स की यूनिट आपकी बन जाती है न्यूटन। उसी तरीके से अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो मीटर, अगर हम स्पीड की बात करेंगे अर्थात वेग या चाल की बात करेंगे, यहां पर वेग या चाल की बात करेंगे तो वो बन जाता है मीटर पर सेकेंड। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर सीजीएस पद्धति की, तो सीजीएस पद्धति बेसिकली लंबाई के लिए हम यूज करते हैं सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकेंड का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में जो कुछ महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं वो जान लीजिए। अगर हम फोर्स यूज कर रहे हैं तो फोर्स के लिए हम यूज करते हैं डाइन। अगर हम एनर्जी या ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं अर्ग। और अगर हम विस्कोसिटी या श्यानता की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम बात करते हैं पॉइज की। इस प्रक्रिया को फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको। इसी तरीके से फुट पाउंड सेकंड की अगर हम बात करें, जहां पर लंबाई के लिए यूज करते हैं फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं, ये पद्धति आपकी कहलाती है ब्रिटिश पद्धति। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट्स की। इस पद्धति में मूल राशियों पर आधारित सात मूल मात्रक बनाए गए हैं और दो पूरक या संपूरक मात्रक बनाए गए हैं। इन्हीं की सहायता से हम व्युत्पन्न मात्रक या ड्राइव यूनिट को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सात मूल मात्रक कौन कौन से हैं। तो लंबाई लेंथ के लिए यूज करते हैं मीटर, द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं किलोग्राम, समय के लिए यूज करते हैं सेकेंड, तापमान टेम्परेचर के लिए कैल्विन, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनल इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ये सात हमारे मूल मात्रक होते हैं। इसके अलावा दो हमारे संपूरक मात्रक भी होते हैं, जिन्हें हम समतल कोण या प्लेन एंगल के लिए डिफाइन करते हैं। प्लेन एंगल के लिए जो हम डिफाइन करते हैं उसे कहते हैं रेडियन, और जहां पर सॉलिड एंगल के लिए हम डिफाइन करते हैं उसे कहते हैं स्टेरेडियन। तो जैसे आपको यहां पर प्लेन, दैट मींस कोई सर्किल पे आपको निकालना है, तो ये इसका रेडियस हो गया, यहां से यहां तक ये चाप हो गया, ये थीटा हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू होगा आपका डीएल बाई आर, और जिसका मात्रक आएगा आपका रेडियन। कोई तरीके से सॉलिड एंगल आपको निकालना है तो आप एक स्फेयर लीजिए, गोला लीजिए, उसमें एक क्षेत्रफल काटिए, उसको सेंटर से मिला दीजिए, ये सेंटर की दूरी है आर, इसका क्षेत्रफल है डीए, तो जो आपका ओमेगा आएगा वो आएगा डीए अपॉन आर स्क्वायर, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन। तो इसका काम होता है एंगल को नापना। देन बात करते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियों की। तो इन्हें मूल भौतिक राशियों के द्वारा ही परिभाषित करते हैं, जैसे चाल दूरी बटा समय होती है, या आप बात करें बल की तो बल आपका बनता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, जहां पर त्वरण भी आपका कैसा है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां और मूल मात्रक, इन्हीं के बेस पर आप सारी चीजों को डिफाइन करते हुए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप विमीय सूत्र को लिखते हैं, दैट मींस डायमेंशन फॉर्मूला आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो उसके लिए आपको सारे मूल मात्रकों के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने वाले जो एब्रिवेशंस हैं उनको जानना चाहिए। तो लेंथ या लंबाई के लिए जो हम यूज करते हैं वो है कैपिटल एल, मास के लिए आप यूज करते हैं कैपिटल एम,
टाइम के लिए यूज करते हैं कैपिटल टी, टेम्परेचर अर्थात तापमान के लिए यूज करते हैं कैपिटल के, किसी किसी बुक में आपको थीटा भी मिल सकता है, तो याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के लिए आप एम्पियर रखते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला रखते हैं जिसे हम सीडी कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप मोल का यूज करते हैं। ये जनरली बड़े ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, सारे के सारे जो होंगे आपके बड़े ब्रैकेट में होंगे। अब हम ये जानते हैं किस तरीके से आप विमीय सूत्र को लिखेंगे। तो विमीय सूत्र को लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी किस फॉर्मूला के बेस पर डिफाइन की गई है, फिर उसे आप मूल मात्रकों के अनुसार तोड़ दीजिए, और फिर मूल मात्रकों के लिए जो जो डायमेंशन फॉर्मूला यूज किया गया है उसको वहां पर लिखिए, और फिर साधारण जो बीजगणितीय गणित होता है उसके अनुसार आप उसको क्रमबद्ध कर लीजिए। इन जनरल जो आपको सबसे ज्यादा यूज होगा वो एमएलटी होगा, उसके बाद एम्पियर होगा, और टेम्परेचर का केल्विन या थीटा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में छोटे छोटे फॉर्मूला से चलते हैं। तो अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल जो आपका होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, दोनों लेंथ को डिफाइन करते हैं, तो लंबाई के लिए कैपिटल एल और चौड़ाई के लिए भी कैपिटल एल, तो जो आपका फंक्शन बनेगा वो बनेगा एल स्क्वायर। हम बात करें अगर आयतन की, तो आयतन आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये तीनों लेंथ को डिफाइन करते हैं, तो तीनों के लिए कैपिटल एल, और यहां पर आपके पास आ जाएगा एल क्यूब। उसी तरीके से अगर आप वेग या चाल को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये होता है आपका दूरी और विस्थापन बटे समय। दूरी या विस्थापन सारी सब डिफाइन करते हैं लंबाई को, इसलिए इसका एल और समय का टी होता है, आप इसे लिख सकते हैं एल टी माइनस वन, टी ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा। देन अगर आप बात करें त्वरण की, तो त्वरण आपका बनता है वेगांतर बटे समय, तो इसके लिए आप वेग का निकाल चुके हैं एल टी माइनस वन डिवाइड बाई आप कर सकते हैं टी, तो जो आपके पास फंक्शन बनेगा बनेगा एल टी माइनस टू। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स जो भी है उसको आप कैलकुलेट करते चल सकते हैं कि किस तरीके से आपको इसे कैलकुलेट करना है। हम अगर बात करें अगले की, तो वो है आपका बल। बल के लिए जब आप भी कैलकुलेट करेंगे तो बल होता है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का कैपिटल एम होता है, त्वरण का आपने ऊपर निकाला है एल टी माइनस टू, तो बन जाएगा एम एल टी माइनस टू, सिंपल मल्टीप्लाई आपने यहां कर दिया। अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा निकालने के लिए आप यूज करते हैं बल गुणे विस्थापन, यहां पर बल होता है एम एल टी माइनस टू इंटू विस्थापन का एल, तो बनेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अगर आप गतिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो गतिज ऊर्जा आप निकाल सकते हैं यहां से, गतिज ऊर्जा आपके पास आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर हाफ अर्थात जब भी आप याद रखिएगा किसी भी कांस्टेंट की विमा नहीं होती है, तो कांस्टेंट यहाँ 1/2 है, इसकी विमा नहीं होगी, तो एम अर्थात द्रव्यमान ये हो गया कैपिटल एम, वी आपने निकाला था एल टी माइनस वन, इसका क्या बनेगा होल स्क्वायर, देन ये बनेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। फिर आप निकाल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा, यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा आपके पास जो आएगी वो बनेगी एम जी एच, एम यहां पर होगा कैपिटल, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण अर्थात त्वरण, तो एल टी माइनस टू इंटू हाइट एल, तो एल हो गया, ये भी क्या बनेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो और चाहे ऊर्जा हो, सबके विमीय सूत्र क्या हैं, एक बराबर हैं। दो चीजें जो एग्जाम में बहुत पूछता है विमा जिनकी, वो है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, और साथ में निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का मैं डिराइव कर देता हूं और आपको बता देता हूं किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको पूछ रहा है कैपिटल जी की विमा, तो कैपिटल जी की विमा के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये होता है बल बराबर
कैपिटल जी इंटू दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान और उनके बीच की डिस्टेंस। एफ होता है बल, तो ये बनेगा एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू कैपिटल जी, ये बनेगा कैपिटल एम। कैपिटल एम सब कुछ आपको ब्रैकेट में रख देना है, और आर दूरी है तो ये कैपिटल एल स्क्वायर। देन आप जी निकालोगे तो जी इज इक्वल टू बन जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। इसको आप रिकैलिब्रेट करोगे तो आपके पास आएगा एम की पावर यहाँ पे 1 है और ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। सेम चीज एल की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है तो +2 हो जाएगा, और टी -2 हो जाएगा। यहाँ से आप निकालोगे तो आपके पास आएगा एम -1 एल क्यूब और टी -2। ये बीमा बनती है कैपिटल जी की। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से आप एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालोगे, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालने के लिए आप ये जानिए कि फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ से यूज करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर आप निकालेंगे एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 upon R square। क्यू क्यू क्या है, चार्ज है यहाँ पर, और चार्ज के लिए होता है क्यू बराबर आई टी, दैट मीन्स विद्युत धारा गुणे समय। अब धारा का विमीय सूत्र होता है कैपिटल ए और टी का होता है कैपिटल टी, दैट मीन्स क्यू की विमीय सूत्र क्या हुए, ए टी हुआ। और आर दूरी है तो एल हो जाएगा। तो आपको निकालना है एप्सिलॉन नॉट, देखिए 1/4 पाई यहाँ पर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। दैट मीन्स कि एफ का क्या होगा, एम एल टी -2 इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू ये क्यू क्यू दोनों की डायमेंशन एक होंगे, इसलिए ये बनेगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। अब आप इसको रिशफल करिए तो एप्सिलॉन नॉट जो आपके पास यहां पर आ रहा है वो बनेगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई एम एल टी -2 इंटू एल स्क्वायर। अब आप इस फंक्शन को दोबारा से लिख लीजिए तो देखिएगा ये बनेगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई एम एल क्यूब टी -2। इसको ऊपर ले जाइए तो बनेगा एम -1 एल की पावर -3 टी की पावर 4 ए स्क्वायर। इस तरीके से आप निकालते हैं विमीय सूत्र एप्सिलॉन नॉट या निर्वात की विद्युतशीलता का, कि सजातीय सेम टाइप सजातीय बीमाएं जुड़ती व घटती हैं, जबकि विजातीय बीमाओं का केवल गुणा और भाग हो सकता है। इसका मतलब आप किलोग्राम को मीटर से जोड़ नहीं सकते हैं, आपको यहां पर ध्यान रखना है किलोग्राम किलोग्राम से ही जुड़ेगा, मीटर मीटर से ही जुड़ेगा। तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह रहता है। लेट अस सपोज आपको दिया हुआ है क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। यहां से आपसे पूछता है कि ए और बी की विमाएं क्या होंगी। उसके पहले आपको देगा कि जहां पर एक्स डिफाइन कर रहा है विस्थापन को, जो कि है मीटर में, और टी डिफाइन कर रहा है समय को, जो कि है सेकेंड में। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि अगर एक्स जो है वो आपका मीटर में है, तो इसका मतलब एक्स अगर आपका मीटर में है तो सजातीय होगा तभी जुड़ रहा होगा। इसका मतलब ए टी, ये पूरा ए टी, ये किसमें होगा, मीटर में। साथ में बी टी भी किसमें होगा, बी टी स्क्वायर भी आपका किसमें होगा, मीटर में है। तो अगर आपको विमा निकालनी है ए और बी की, उसका मतलब आप कह सकते हैं कि एक्स की विमा बराबर ए टी की विमा के। अब एक्स क्या दिया है, विस्थापन, जिसका मतलब होता है लंबाई, और यहां पर एक्स की विमा क्या आएगी, कैपिटल एल। सेम चीज ए निकालना है, टी समय दिया है तो कैपिटल टी, यहां पर ए की विमा क्या आएगी, एल टी -1। टी को उधर ले गए और हमने ऊपर कर दिया। सेम तरीके से अगर आपको निकालना है किस तरीके से आप बी निकालेंगे, तो ये भी सेम चीज होगा कि यहां पर ये विमा बराबर इसके विमा के, तो लिख सकते हैं ना एक्स की विमा बराबर बी टी स्क्वायर की विमा। देन एक्स की विमा कैपिटल एल, बी निकालना है टी का मतलब टी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, एल टी -2। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करके
कैलकुलेट करते हैं किसी अननोन की बीमा को, जो एक पेट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा उसको मैं आपको बता देता हूं कि वो क्वेश्चन कौन सा है। वो जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो बोलेगा वंडरवॉल गैस इक्वेशन में जो कांस्टेंट ए और बी हैं उसकी बीमा क्या होगी। तो वंडरवॉल जो इक्वेशन होती है वो होती है पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, जहां पर पी जो है वो दाब है, वी है वो आयतन है, आपका आर जो है वो गैस नियतांक है, साथ में आपका जो टी है वो तापमान है। अब जानने वाली बात ये है ए और बी जो है वो है आपके कांस्टेंट। तो पूछेगा ए और बी की विमा क्या होगी। तो जब आपसे ए और बी की विमा पूछेगा तो याद रखिएगा कि समान विमाएं ही जुड़ेंगी और घटेंगी। इसका मतलब ये विमा और यहां पर ए निकालने के लिए आप ये जुड़ रही हैं, इसका मतलब पी की विमा बराबर ए प्लस ए डिवाइड बाय बी स्क्वायर की विमा। तो यहां साफ दिख रहा है कि आप लिख सकते हैं पी की विमा बराबर ए बाई बी स्क्वायर की विमा। देन आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो पी होता है प्रेशर अर्थात दाब, दाब का मतलब होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बटे क्षेत्रफल यहां पर ए बटे आयतन का स्क्वायर, बल होता है आपका एम एल टी माइनस टू, क्षेत्रफल होता है एल स्क्वायर, यहां पे होता है ए इंटू एल क्यूब का होल स्क्वायर। अब ये आपका जो बनेगा एम एल के पावर -1 टी -2 ऊपर चला गया, देन ए अपॉन एल के पावर 6, तो ए की विमा क्या हो जाएगी एम एल के पावर 5, क्योंकि यहां जाए -1 प्लस 6 प्लस 5 बनेगा और ये आपका टी -2, ये विमा आपकी बन गई। अब जब आप निकालेंगे बी की विमा तो सिंपल सी बात है वी माइनस बी लिखा हुआ है, तो यहां पर आप निकालेंगे वी की विमा बराबर बी की विमा। अब वी है आयतन तो बी की विमा क्या हो जाएगी एल क्यूब। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं जब विमाओं को जोड़ के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो बस याद रखिएगा एक चीज की सजातीय विमाएं ही जुड़ेंगी घटेंगी और विजातीय विमाओं का केवल गुणा व भाग होता है, इसे आपको याद रखना है। आगे मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जो भौतिक राशियां हैं उनसे संबंधित मात्रक के दो विभिन्न स्लाइड्स दे दिए हैं, जिससे आप पॉज करिए वीडियो को और उसे नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो पहला स्लाइड है वो आपके सामने आता है महत्वपूर्ण मात्रक, एक तरफ मात्रक लिखा हुआ है वो किस भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रहा है, सेम चीज बगल में भी लिखा हुआ है मात्रक और भौतिक राशि, तो आपके पास दो पर्टिकुलर रोज है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और है पेज, उस पे भी ध्यान रखिएगा, वो है आपका सेम चीज मात्रक संबंधित भौतिक राशि, फिर मात्रक संबंधित भौतिक राशि। इसे वीडियो को पॉज करिए और आराम से इसे नोट करिए और एग्जाम के पहले इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ये जानकारी कई और आपके दोस्तों के पास पहुंच सकें और वो भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।